हेलो नमस्कार, फूड गुरु मल्होत्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आपके साथ है नेहा मल्होत्रा। तो साथियों, आज हम एक हेल्दी सैलेड बनाते हैं। हम बनाते हैं बीन स्प्राउटेड सैलेड। तो देखते हैं इसकी सामग्री। ये बीन्स है, चवली है, जिसे हमने धो के स्प्राउटेड करके हल्का सा बॉईल करके रखा है। ये एक छोटा टमाटो है जिसे धो के सीडलेस करके काटा है। ग्रीन पुदीना चटनी है, चाट मसाला है, आधा नींबू है। ये एक आधा छोटा बीट है जिसे कद्दूकस कर लिया है, और एक छोटा कुकुम्बर है जिसे हमने धो के छिल के बारीक टुकड़ों में काट लिया। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए हमने बीन्स, ये बीन्स है ना, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाने हैं, इतने देखिए, जो आराम से टूट जाए बस, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं करने सॉफ्ट, और एकदम कच्चे भी नहीं रखने। तो सबसे पहले हमने ये बीन्स ले लेने हैं। ये बहुत ही बढ़िया बॉईल हुए हैं और इसके स्प्राउट बहुत ही अच्छी तरह से इसमें हो गया है। अभी हमने ये डाल दिया है, सबसे पहले हमारे बीन्स डाल लिए जो हमने बॉईल करके रखे हैं, हाफ बॉईल की तरह। अब हमने क्या करना है, इसी के साथ हमने टमाटर डाल रहे हैं। देखिए ये हमने डाल दिए हैं टमाटर, इस तरह से बारीक कटे हुए टमाटर हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं और उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसी के साथ हमने अब क्या डाल देना है, कुकुम्बर ककड़ी, जिसे हमने धो के अच्छी तरह बारीक काट लिया है। देखिए इस तरह आप ककड़ी डाल लीजिए। कुकुम्बर बहुत ही हेल्दी होता है हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए भी अच्छा है। तो हमने इसमें कुकुम्बर यूज़ किया है। देखिए हमने अच्छी तरह इस तरह से कुकुम्बर डाल दिया। इसी के साथ हमने बीट डाल देना है। इसके बाद हमने बीट डाल देना है साइड से। देखिए आप बीट डाल दीजिए इस तरह से, थोड़ा थोड़ा बीट हमने थोड़ा लिया है। कभी कभी बीट का टेस्ट सबको पसंद नहीं होता है, बट बीट बहुत ही हेल्दी होता है। आप जितना खाएंगे बीट आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा बीट डाल देंगे। अब इसी के साथ हमने क्या करना है, चाट मसाला है हमने लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, एक टीस्पून। तो बस हमने वो पूरा स्प्रिंकल कर देना है चाट मसाला, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। ये हमने स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसी के साथ हमने क्या करना है, नींबू निचोड़ देना है, जिसका एक स्वाद बहुत ही टैंगी स्वाद आता है अच्छा, और हमारे सैलेड का कलर भी निखरा रहता है। इसी के साथ अब लास्ट में हमने डालनी है हरी चटनी। ये भी बहुत हेल्दी है, इसकी रेसिपी मैंने आपको मेरे स्टार्टिंग के वीडियो में दी हुई है, आप मेरे लिंक में जाके देख सकते हैं। तो अब हम ऐसे सजावट करके डाल रहे हैं, बाद में हमने इसे मिक्स कर लेना है। आप जितनी चाहिए डालिए। ये हमने बिल्कुल मीडियम बनाई, माइल्ड बनाई है, बहुत तीखी नहीं बनाई है। हम सलाद खा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं यूज़ करना है। तो ये हमने ग्रीन चटनी डाल दी है। देखिए हमारा यह बीन स्प्राउटेड सलाद बनके रेडी हो गया है। आपने देखा झटपट हमारा ये बीन स्प्राउटेड सलाद बनके तैयार हो गया। बस आपके घर में चवली है, बीन्स जो होती है आप उसे भिगो या आठ घंटे सुबह, फिर उसे एक छाननी में या मलमल के कपड़े में रखिए, वापिस 8 घंटे बाद इस तरह से वो स्प्राउटेड हो जाती है। उसके बाद बॉईल करके आप इस तरह बनाइए। देखिए आप चाहे तो कुछ और भी सब्जियां यूज़ कीजिए, लेकिन हमने जो कुछ हमारे घर पे थी अवेलेबल हमने वो सब यूज़ किया। ये बहुत ही टेस्टी है, हमने इसे मिक्स नहीं किया है, इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। आपने सिर्फ एक चम्मच लेना है, पूरा अच्छी तरह मिक्स करना है और खा लेना है। या आप खाने के साथ खाइए, या आप ऐसे भी एक बाउल सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे, बहुत हेल्दी है। या आप अपना जो प्रॉपरली डिनर या लंच बनाते हैं, एक साइड डिश भी रख सकते हैं। तो आप घर में ट्राई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। तो चलिए अगली एक और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ आपको मिलती है नेहा मल्होत्रा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए फूड गुरु चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए।